विकास जी, एक सवाल ये आ रहा है। आपने भी एम्बर एंटरप्राइजेस बताया था, अगर उसको कंपेयर करें या कैम्स पूछूं तो कैम्स कैसा दिखता है सर, सीएमएस? आप कैम्स पे राय दे दीजिए, फिर लास्ट में ये बता दीजिएगा कि अगर अम्बर से कंपेरेटिवली दोनों में से एक लेना हो तो कौन सा हो। कैंप्स में क्या है कि कैंप्स में अभी थोड़े से रेजिस्टेंस जोन से ऊपर में और नीचे से ऑलरेडी इसने 10% का एक मूव लगा चुका है ये काउंटर, और ये बार बार अपने डेली रेजिस्टेंस पे जाके ये गिर जाता है। अभी ये थर्ड टाइम अपने डेली रेजिस्टेंस के पास आया है, तो फिलहाल में ये जब तक 2500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है कैंप्स, तब तक कैंप्स में बाई की सलाह तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं कैंप्स और अंबर को कंपेयर करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अंबर में अभी भी ऊपर जाने का जगह बहुत बचा हुआ है कंपेयर टू कैंप्स। कैंप्स अपने डेली चार्ट के रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है नीचे से 10% का मूव देके, बट अंबर में अभी भी 2900 तक जाने का एक पोटेंशियल है। बट मेरे को अभी भी अंबर में जो उसका एक बाउंस बना था नीचे से, अभी एक कंसोलिडेशन जोन पे गया हुआ है, तो जब तक ये 2400 नहीं तोड़ता इट इज क्वाइट गुड। और ऊपर में जब ये अपना रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर जाएगा या कंसोलिडेशन से जैसे ही बाहर निकल जाएगा 2484 के ऊपर, जैसे ही अंबर चल जाएगा तो स्लोली एंड स्टेडीली ये 2900 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा दोनों के कंपैरिजन में तो आई विल गो फॉर अंबर अबाउट 2500। विद कैम्स के कंपैरिजन अंबर मेरे को ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि कैम्स अपने डेली रेजिस्टेंस पे आ चुका है, अंबर में अभी भी पोटेंशियल है 2900 तक जाने का। बट मैं या तो अंबर को थोड़ा वेट करूंगा या 2500 के ऊपर ही अपने रेजिस्टेंस क्लस्टर के ऊपर जाएगा, मेरे जो चेंज इन पोलैरिटी के लेवल से उसके ऊपर ये जब जाएगा और मेरे DTTS स्ट्रेटेजी पे ये तब बाई ट्रिगर होगा इस पे, तब मैं 2500 के ऊपर अंबर में लॉन्ग करूंगा 2430 के स्टॉप लॉस पे और 2900 के टारगेट के लिए। तो ये राय और ये स्ट्रेटेजी है कैम्स बनाम अंबर। अच्छा,